Now we had done Iltutmish. We are starting with Razia Sultan slave dynasty. Now Razia Sultan ruled from 1236 to 1240. Again a very short span of time. Razia could not rule for a long period after the death of Razia and till the accession of Balban. Many kings came to the throne. One of them, Naziruddin Muhammad, another son of Iltutmish, ruled from 1246 to 1266, approximately 20 years. He was a puppet in the hands of powerful nobles. अब वो पपेट था इन दी हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स. जो नोबल्स थे उसके किंगडम के, उसके हाथ में वो पपेट बन गया था. कौन? नज़ीरुद्दीन मोहम्मद महमूद. सो वी हैड डन कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, देन रज़िया सुल्तान अगेन, देन रुकनुद्दीन फिरोज शाह, देन रज़िया सुल्तान अगेन, देन नज़ीरुद्दीन महमूद. और बीच में भी कई आए थे बट नज़ीरुद्दीन ने काफ़ी लंबे समय तक रूल करा था. देन वी कम टू गियासुद्दीन बालबन फ्रॉम 1266 टू 1286, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स अगेन. सो अभी आई विल शो यू हाउ टू मेक अ टेबल जिससे आप कंफ्यूज ना हो. ओके, नाउ गियासुद्दीन बालबन. Balban got the throne of Delhi in 1266. He was the most powerful ruler of the slave dynasty. So now, the first ruler was Qutubuddin Aibak, founder was Iltutmish, and the most powerful ruler was Ghiyasuddin Balban. He had been an important noble since the reign of Iltutmish and was the real power behind Naziruddin Mahmud. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि नज़ीरुद्दीन वॉज अ पपेट इन दी हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स, और उसके पीछे सबसे रियल पावर किसकी थी? बालबन की. बालबन रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेथन द आर्मी. ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स एंड डिफीटेड मेनी ऑफ देम. ही ऑल्सो गार्डेड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स अगेंस्ट द मंगोल रेड्स. अब मंगोल रेड्स को उसने भी प्रोटेक्ट करा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर. बालबन वॉन्टेड द पीपल टू लुक अप टू द सुल्तान. ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम्स ऑफ सिजदा एंड पाइबोस और जमीन बोस. अब उसने कुछ पर्शियन कस्टम्स इंट्रोड्यूस करे थे ताकि उसको लगे कि पीपल उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा. बट पीपल वर अगेंस्ट दिस एज दे फेल्ट दीज टाइप्स ऑफ कस्टम्स सिर्फ भगवान के लिए करे जा सकते हैं. Balban's successes were weak. In 1290, the Khalji nobles captured the throne of Delhi. अभी हमने देखा कि इल्तुतमिश के भी जितने भी सन्स थे वो भी एफिशिएंट नहीं थे. सेम विद बालबन. बालबन के भी सक्सेसर्स वीक थे और 1290 में खलजी नोबल्स ने कैप्चर कर लिया थ्रोन ऑफ दिल्ली. इल्तुतमिश के रज़िया सुल्तान को छोड़ के एवरीवन वाज इनएफिशिएंट. नाउ कमिंग टू द खलजी डायनेस्टी. द खलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खलजी. द खलजी डायनेस्टी रिमेंड इन पावर फॉर थ्री डेकेड्स. थ्री डेकेड्स मीन्स 30 ईयर्स. जलालुद्दीन फिरोज खलजी फ्रॉम 1290 टू 1296. Jalaluddin Firoz Khalji was a great warrior in his youth, but when he ascended the throne, he had become very old. मतलब जलालुद्दीन पहले बहुत great warrior था अपने youth में, मतलब जब वो young था, but जब वो ruler बना वो बहुत old हो गया था, बहुत बुढ़ा हो गया था. He adopted a lenient policy towards the Mongols and married one of his daughters to Ulugh Khan. अब उसने लीनियंट पॉलिसी अप्रोच करी मंगोल्स के लिए और अपनी एक बेटी की शादी भी कर दी उलुग खान से, दी मंगोल लीडर. जलालुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरशप, हु टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन. नाउ अलाउद्दीन कौन था? ही वाज द नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खलजी. नाउ कमिंग टू अलाउद्दीन खलजी. अलाउद्दीन खलजी का
बहुत इम्पोर्टेंस है इन दी दिल्ली सल्तनत, क्योंकि माना जाता है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन दी खलजी डायनेस्टी। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर। सून आफ्टर कमिंग टू पावर ही सेट अबाउट हिज गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन ऑल इंडिया एम्पायर। उसका क्या गोल था कि वो ऑल इंडिया एम्पायर पर रूल करे। ओके, और कहा जाता है कि उसने इतना किंगडम वो कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, जो अशोका के टाइम पे था। नाउ एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अलाउद्दीन कॉन्कर्ड गुजरात एंड मलवा। उसने सबसे पहले गुजरात और मलवा को एनेक्स करा। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सीपोर्ट्स। अब गुजरात इज अ वेस्टर्न सीपोर्ट। बिटवीन 1301 एंड 1303 ही कैंपेन्ड इन राजस्थान एंड कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौर फ्रॉम द राजपूत। अब उसने राजपूत से ये, दिस इज द फोर्ट ऑफ रणथंबोर, उसने ये कैप्चर करा और चित्तौर भी कैप्चर करा राजपूत से। देयर आफ्टर ही सेंट अ लार्ज आर्मी टूवर्ड्स द साउथ अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर। अब मलिक कफूर ने उस अपने ट्रस्टेड जनरल को भेजा कि वो साउथ को भी अपने अंडर में करें। मलिक कफूर डिफीटेड द यादव्स, काकतियाज, हौसेलाज एंड द पांड्यास। हमने यादव्स और पांड्यास को करे हैं रीजनल किंगडम्स में। ही ऑल्सो कैरिड अवे अ लॉट ऑफ वॉर बूटी विच इंक्लूडेड प्रेशियस मेटल्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स। अब उसने क्या, मलिक कफूर ने क्या क्या लिया साउथ में से, प्रेशियस मेटल्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स। और जो किंग्स को उसने डिफीट करा था, कईयों को उसने अपना रूल कंटिन्यू करने को भी कहा, बट उनको बहुत बड़े बड़े ट्रिब्यूट्स पे करने पड़ते थे अलाउद्दीन को, और अपनी अक्नॉलेज हिज ओवरलॉर्डशिप, मतलब कि उसको अपना सुपीरियर मान ले। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अलाउद्दीन्स रेन हिज एम्पायर वॉज एज लार्ज एज दैट ऑफ किंग अशोका। टू कीप सच अ लार्ज आर्मी अलाउद्दीन खलजी नीडेड अ लॉट ऑफ मनी। लैंड रेवेन्यू वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। अलाउद्दीन मेड मैनी रिफॉर्म्स टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। अब उसके पास इतना बड़ा एम्पायर था, अब इतने बड़े एम्पायर के साथ उसको एक बहुत बड़ी सी आर्मी भी रखनी पड़ेगी, और आर्मी रखने के लिए उसको बहुत पैसा चाहिए होगा कि वो अपनी इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर सके। और आर्मी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, लैंड रेवेन्यू से। तो उसने कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए जिससे वो अपनी टैक्स इंक्रीज करे और अपनी आर्मी पे स्पेंड करे, ताकि वो अपना किंगडम बनाए रख सकते। वी विल डू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दी नेक्स्ट क्लास। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन दी ग्रुप।